हमारा जो फार्माकोलॉजी में सबसे पहला लेक्चर है वो है बेसिक फार्माकोलॉजी। बिल्कुल बेसिक फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करती है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी पढ़नी क्यों है? टू रिस्ट्रिक्ट रैशनल ड्रग यूज, यानी कि आपने बिल्कुल रैशनल ड्रग यूज करना होगा। टू डायग्नोज, प्रिवेंट एंड ट्रीट केसेस ऑफ पॉइजनिंग, ताकि आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हो ताकि अगर कोई पॉइजनिंग का केस हो आप उसको डायग्नोज करो और उसको एडवर्स इफेक्ट से प्रिवेंट करो। फिर हेल्थ अथॉरिटीज को कॉम्बैट करो ऑफ द ड्रग एब्यूज, जहां पे ड्रग एब्यूज होता है। हमारे पास अभी रैशनल ड्रग थेरेपी की, व्हाट इज द रैशनल ड्रग थेरेपी? तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द राइट ड्रग हो, राइट ड्रग इंडिकेटेड फॉर द डिजीज इन राइट डोज हो, थ्रू एप्रोप्रिएट राइट रूट। तो WHO की डेफिनेशन क्या है रैशनल ड्रग थेरेपी की? पेशेंट्स रिसीव मेडिकेशंस एप्रोप्रिएट फॉर देयर क्लिनिकल नीड्स इन डोजेस दैट मीट देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि डोज ड्रग देनी है लेकिन पेशेंट के मुताबिक फॉर एन एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम एंड लोवेस्ट कॉस्ट टू देम एंड देयर कम्युनिटी। अच्छा, रैशनल प्रेस्क्राइबिंग की अगर हम बात करते हैं रैशनल प्रेस्क्राइबिंग की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड ऑफ द ड्रग थेरेपी देखी जाती है, चॉइस ऑफ द ड्रग देखी जाती है, जो एफिकेसी हो, सेफ्टी हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी को डिटरमाइन करना, ड्रग कॉम्बिनेशन क्या देना, डोज क्या देनी और कौन सा रूट देना है, ये सारा रैशनल प्रेस्क्राइबिंग होती है। फार्माकोलॉजी की डिफाइन अगर हम करें, तो वर्ड इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज कॉल्ड एज फार्माकोन, एक्टिव प्रिंसिपल, एंड लोगोस इज अ स्टडी। तो ट्रीटी क्या है? Written work dealing formally and systemically with a subject. Discourse, conversation, speech, lecture, meaning to speak, to write. So pharmacology can be defined as the study of substance that interacts with the living organism through chemical processes. यानी यहाँ पे chemical processes का होना लाजमी है कि कोई भी चीज body से react करे with a chemical process, especially by binding to the molecule. हर जगह पे regulatory molecule receptors होते हैं, activating or inhibiting the normal body processes. मेडिकल फार्माकोलॉजी क्या है? द साइंस ऑफ सब्सटेंस यूज्ड टू प्रिवेंट, डायग्नोज एंड ट्रीट डिजीज, किसी भी डिजीज को डायग्नोज करना, प्रिवेंट करना, ये मेडिकल फार्माकोलॉजी है। फिर आपके पास है कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन की हम बात करें, इट इज द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपाउंडिंग, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायोट्रांसफॉर्मेशन एंड थेरेप्यूटिक यूजेज ऑफ द ड्रग्स, दैट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, यानी इसमें फार्माकोलॉजी के हर एस्पेक्ट को टच किया गया है। ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी की देखी जाए तो फार्माकोजेनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, फार्माकोजिनोमिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, एनिमल फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, यानी फार्माकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस है हमारे पास। ड्रग की बात करें, व्हाट इज द ड्रग? ड्रग ब्रॉडली क्लासिफाइड एक केमिकल एजेंट होता है। ड्रग बेसिकली एक केमिकल है जो कि किसी भी लिविंग प्रोसेस को इफेक्ट करता है। Any substance that brings in biological function through its chemical action would drug होती है। Any substance used for purpose of diagnosis, prevention and relief of acute disease in man, drug है। The word drug is derived from French word draw, draw का मतलब dry herb, तो French word से drug निकला है। WHO के मुताबिक what is a drug? A drug is any substance or product that is used or intended to be used to modify, explore physiological systems, pathological states or for the benefit of the recipients. वो होती है drug, poisons and toxins. Poisons के drugs that have exclusively harmful effects. Toxins are classified poisons biological origin. Those makes the poison. यानी dose ही poison होती है। आप dose बढ़ा दो poison बन जाएगी। अच्छा, receptor क्या है? कोई भी एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होता है बायोलॉजिकल सिस्टम दैट प्लेज रेगुलेटरी रोल ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिसेप्टर्स। एक होता है एगोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट वो जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करे, एंटागोनिस्ट वो जो रिसेप्टर को इनहिबिट करे, और केमिकल एंटागोनिस्ट होता है जो इंटरेक्ट डायरेक्टली करता है अदर ड्रग्स के साथ। जनरल फीचर्स ऑफ द ड्रग क्या होते हैं? एक ड्रग की फिजिकल नेचर, कोई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, यानी कि वो टेबलेट है, वो सोल्यूशन सस्पेंशन है, सिरप्स हैं, गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस होती है। फिर ड्रग का साइज, छोटी ड्रग हुई है, लार्ज होती है। ड्रग शेप की कायरलिटी वाइज मेरिज्म देखी जाती है। ड्रग रिएक्टिविटी, क्या कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोफिलिक बॉन्डिंग, यानी कि वाटर से बॉन्डिंग करती है। पोलर ड्रग है क्या, नॉन पोलर ड्रग है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर होती है ड्रग की। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज अ फार्माकोकाइनेटिक्स? Pharmacodynamics. The aim of drug therapy to prevent and cure or control the disease. Now to achieve this aim, adequate drug dose must be delivered to the target tissue. तो जब एक ड्रग हम देते हैं तो पहले तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है, उसके बाद ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म और फिर एलिमिनेशन। यानी इसको कहते हैं ए डी एम
ई, तो ये जो है एडीएमई, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एलिमिनेशन, ये होती है हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स। फिर क्या है हमारे पास, व्हेन द स्टडी ऑफ टाइम कोर्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन एडीएमई इज द फार्माकोकाइनेटिक्स। सो व्हाट द बॉडी डू टू द ड्रग, यानी आपने ड्रग लिया और आपकी बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, वो सारे घर फार्माकोकाइनेटिक्स है। इसके बरक्स देखा जाए जो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, कोरिलेशन केमिकल स्ट्रक्चर के साथ, वो सारा का व्हाट द ड्रग टू द बॉडी, यानी ड्रग ने आपकी बॉडी के साथ क्या किया, वो फार्माकोडायनेमिक्स हो जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, की एक मेडिसिन है आप उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सिस्टेमिक भी हो सकती है, लोकल भी हो सकती है। लोकल यानी स्किन के ऊपर लगा देना, या इनोक्युलर ड्रॉप्स हैं, इंट्रानेजल ड्रॉप्स हैं, वेजाइना के अंदर है, ट्रांसडर्मल इनहेलेशनल, ये सारे के सारे लोकल है। सिस्टेमिक जो ब्लड में जाएंगे, तो ब्लड में या तो ओरली जाते हैं जिसको एंटीरियर रूट कहते हैं, या फिर पैरेंट्रल यानी इंजेक्शन के थ्रू जा सकते हैं। तो इंजेक्शन में इंट्रावेनस इंजेक्शन है, इंट्रामास्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राआर्टेरियल, इंट्राआर्टेरियल, इंट्राथिकल और इंट्राडर्मल। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट पास इफेक्ट, द इंटेस्टाइनल एंड हेपेटिक डिग्रेडेशन और अल्टरेशन ऑफ अ ड्रग और सब्सटेंस टेकन बाय माउथ After absorption, removing some of the active substance from the blood, but before it enters the general circulation, वो होती first pass effect। यानी आपने ड्रग खाई, ड्रग पहले आपके टारगेट टिश्यू में नहीं जाती, पहले चली जाती है लिवर में, लिवर में कुछ ना कुछ ड्रग डिग्रेड हो जाती है, उस डिग्रेडेशन को फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। ओरल रूट यानी कि टैबलेट कैप्सूल खाना, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट कॉमन और वेरिएबल होता है, सेफ है, इकोनॉमिकल है, महंगा भी नहीं होता, एब्जॉर्प्शन होती है स्टमक इंटेस्टाइन से, कॉमन डोजेज फ्रॉम टैबलेट कैप्सूल से सस्पेंशन आते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट्स अगर हैं तो वॉमिटिंग करके रिमूव हो जाते हैं। नुकसान क्या है, फर्स्ट पास इफेक्ट ज्यादा होता है, 90% ऑफ द नाइट्रोग्लिसरीन क्लियर द लिवर, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ड्रग बाय स्टमक, स्टमक वगैरह ड्रग की डिस्ट्रक्शन करते हैं, डायरेक्ट कोटिंग करवानी पड़ती है अलग से, तो अनकॉन्शियस पेशेंट को खिलाए नहीं सकते, एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होती है, इमरजेंसी कंडीशन में ओरल रूट नहीं इस्तेमाल होता। फिर सब लिंगुअल यानी जबान के नीचे रखना, इसकी क्या प्लेसमेंट अंडर टंग होती है, डिफ्यूजन कैपिलरीज हो जाती है, डायरेक्टली जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, फर्स्ट पास इफेक्ट को बायपास करती है, कोई इशू नहीं होता, खुद से बंदा खा सकता है, इकोनॉमिकल है, कोई महंगी ड्रग्स नहीं होती। डिसएडवांटेज क्या है, एक तो छोटी छोटी ड्रग्स होती है, तो एक बात बड़ी बात तो ये होगी कि लार्ज डोजेस रिक्वायर्ड होंगी, और इरिटेशन ऑफ लोकल म्यूकोसा भी करती है, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन जो कि हार्ट अटैक में यूज करते हैं स्पेसिफिकली वो ड्रग होती है। अच्छा, रेक्टल रूट क्या है, एडवांटेज 50% ऑफ द बायपास होता है, पोर्टल सर्कुलेशन को 50% बायपास करती है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो लेकिन बहुत कम, और प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन बाय इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, कुछ नहीं कर सकते ड्रग को, स्टमक के पीएच ड्रग खराब नहीं करती, ड्रग गैस्ट्रिक इरिटेंट्स जो होते हैं वो जा सकते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट में दे सकते हैं, चिल्ड्रन के लिए ठीक होती है, और पेसरीज और सपोजिटरीज या एनिमास होते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेज एक तो एम्बैरेसिंग है, यानी हर कोई इस तरह का रूट इस्तेमाल नहीं करता, इनकन्वीनियंट है, एब्जॉर्प्शन स्लो है, और रेक्टल म्यूकोसा के साथ इरिटेशन कर सकता है। पैरेंट्रल यानी कि इंजेक्टेबल जो होते हैं पैरेंट्रल में देखा जाए तो फॉर द ड्रग वीक आर पुअरली, जो जीआईटी से नहीं जा सकते, या जो जीआईटी में अनस्टेबल होती हैं, या इमरजेंसी की कंडीशन है तो इमरजेंसी में पैरेंट्रल ड्रग्स जाती हैं, और अनकॉन्शियस को भी दे सकते हैं, 100% बाय अवेलेबल होती है, कोई फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, टॉक्सिसिटी के चांसेस हैं इसके, लेकिन एमिसिस वगैरह या एक्टिवेटेड चारकोल उससे कोई टॉक्सिसिटी पे चांस नहीं होता, तो यानी कि टॉक्सिसिटी के चांसेस इनके होते हैं। पेनफुल है, डिसएडवांटेज है, असिस्टेंस यानी कोई और आपको लगाएगा, इंजेक्शन है तो साइड इफेक्ट्स भी होंगे साथ साथ। अच्छा, पैरेंट्रल रूट्स में एक नहीं होता, फिर पैरेंट्रल इंट्रावास्कुलर ब्लड वेसल के अंदर लगाना, मसल्स के अंदर लगाना, और सबक्यूटेनियस यानी स्किन के अंदर लगा देना, तो डिफरेंट रूट्स हैं। तो मोस्ट कॉमन जो है इंट्रावीनस होती है, और ड्रग आर नॉट ओरली अब्सॉर्ब नहीं होती, फर्स्ट पास इफेक्ट भी नहीं होता, और मैक्सिमल इफेक्ट आता है ड्रग का, एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं, टॉक्सिसिटीज बहुत कॉमन है। इंट्रामस्कुलर एक्वस सॉल्यूशंस जाते हैं, जो डिपो होते हैं, डिपो सॉल्यूशन के यहाँ पे डिपो बन जाएगा, आराम आराम से ड्रग यहाँ से रिलीज होती है। सस्पेंशन ऑफ द ड्रग इन मोस्ट एक्वस व्हीकल्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन होती है वही एक्वस व्हीकल से, और डिपो स्लो होते हैं और सस्टेन होते हैं, आराम आराम से इफेक्ट आता है। सबक्यूटेनियस की स्लोअर एब्जॉर्प्शन है, रिस्क एसोसिएटेड होता है आईवी इंजेक्शंस के साथ, प्रोग्रामेबल मैकेनिकल पंप्स भी होते हैं।
टॉपिकल रूट जो स्किन का रूट होता है ऊपर ऊपर से व्हेन लोकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड होता है तो हम टॉपिकल पे जाते हैं. अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द स्किन या म्यूकोसल सरफेसेस या ईयर लंग्स नोज में. डोजेज फॉर्म में ऑइंटमेंट है, लोशन है, एयर ड्रॉप है, नेजल ड्रॉप है, स्प्रे, ये सारे के सारे जो है ये जो हमारे पास है टॉपिकल रूट्स हैं. स्लो एब्जॉर्प्शन होगी, ऑलमोस्ट नो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन और लोकल साइड इफेक्ट्स आते हैं. इनहेलेशन यानी कि आप इनहेलेशन करने से एस्थमेटिक पेशेंट करते हैं. रैपिड डिलीवरी अक्रॉस द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ म्यूकोसा मोस्ट सुटेबल है फॉर कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एंड रेस्पिरेटरी में. फिर सुटेबल है गैशियस फॉर्म में, एरोसोल के फॉर्म में होता है और डिलीवरी भी डायरेक्ट हम साइट पे डिलीवरी करते हैं. मिनिमाइज्ड साइड इफेक्ट्स हैं. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू दिस रूट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एल्बुटेरॉल वगैरह जाती हैं जैसे साल्बुटामोल है. इसके अलावा इंट्रानेजल में देखा जाए तो यानी कि ये तो आपकी इस बार इनहेलेशनल ही, सिर्फ इंट्रानेजल में अगर हम देखें तो रैपिड एब्जॉर्प्शन थ्रू वैस्कुलराइज्ड म्यूकोसा, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नॉन इनवेसिव है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग चली जाती है, कंप्लायंस भी बेहतर है, लोअर डोज, लेस साइड इफेक्ट्स. ड्रग मस्ट इंक्लूड डेस्मोप्रेसिन, एंटी डायबिटिक और इवन कोकेन जो है, कोकेन ड्रग यूजिंग भी इसी थ्रू होती है. जैसे कि आप कोकेन देख सकते हैं जबकि ये मेडिकली भी ड्रग्स जाती है. इंट्राथिकल जो कि स्पाइनल कॉर्ड में लगाई जाती है, ड्रग इनटू द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में ड्रग लेके जाने तो लंबर पंक्चर करना पड़ता है. तो मेथोट्रेक्सेट वगैरह जैसे कि है, मेथोट्रेक्सेट एंटी कैंसर ड्रग है जो ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर्स वगैरह उसके लिए यूज होती है. तो ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं यानी स्किन के ऊपर इस तरह का पैच लगा देना. अजीव सिस्टमिक इफेक्ट बाय अप्लाइंग द ड्रग टू द स्किन पैचेस ट्रांसडर्मल हो जाती है. रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग यानी फिजिकल जो कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करते हैं एब्जॉर्प्शन. कॉमन एप्लीकेशन साइट्स हैं अपर आर्म, चेस्ट, एब्डोमिन, मैस्टॉइड रीजन. यूज फॉर सस्टेन्ड इफेक्ट ऑफ द ड्रग आर द ड्रग डिलीवर्ड थ्रू दिस रूट इंक्लूड नाइट्रोग्लिसरीन, एंटी एंजाइनल स्कोपोलामीन, एंटी एमेटिक इंसुलिन, एंटी डायबिटिक स्कोपोलामीन. वो लोग लगाते हैं जिनको ये वॉमिटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं जब वो ट्रेवल करते हैं. तो ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आज हमने जो पढ़ा है बेसिकली हमने टच दिया है बेसिक फार्माकोलॉजी को कि एग्जैक्टली जो फार्माकोलॉजी क्या है और WHO के अकॉर्डिंग फार्माकोलॉजी की क्या क्या डेफिनेशन बनती हैं. तो हमने बेसिक फार्माकोलॉजी को टच किया है और ये हमारा आज का यूनिट नंबर 1 था फार्माकोलॉजी में. बहुत शुक्रिया आपका.